वेलकम टू नई सुबह कहानी घर। कहानी घर नई सुबह टेल्स नरेटेड बाय निस्मा आलम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह कहानी घर में खुशामदीद। मैं हूँ निस्मा आलम और आज हम सुनेंगे शेर और गीदड़ की कहानी। एक दफा की बात है, जंगल में एक खूंखार शेर रहा करता था। जो आए दिन 4 से 5 जानवरों को जख्मी करके सिर्फ एक ही जानवर खाता उनमें से। सारे जानवर बहुत परेशान होते कि ना जाने कब हम शेर का शिकार बन जाएं। और किसी को कुछ नहीं पता होता कि कब आकर शेर हम पर हमला कर ले। इसीलिए सारे जानवरों ने मिलकर ये फैसला किया, क्यों ना हम सब शेर के लिए कोई मंसूबा बनाएं। गीदड़ ने आगे बढ़कर ये ख्याल जाहिर किया, क्यों ना हम लोग एक एक करके शेर के पास चले जाया करें। इस तरह 4 से 5 जानवर शिकार होने से बच जाएंगे और हमें पता भी होगा कि आज हमें शेर के लिए कुर्बानी देनी है, और यही सारे जानवरों के लिए बेहतर फैसला है। सारे जानवरों ने उसके फैसले को बहुत सराहा और शेर को अपना फैसला जा सुनाया। शेर ने कहा, हाँ मुझे ये फैसला मंजूर है, मगर अगर मेरे खाने में जरा सी भी ताखीर हुई तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। शेर की बात सारे जानवरों ने मानते हुए कहा, हाँ ठीक है, हम एक एक करके आ जाया करेंगे और वक्त की पाबंदी का ख्याल भी रखेंगे। इस तरह हर रोज एक एक जानवर शेर के पास चला जाया करता। लेकिन जब खरगोश की बारी आई तो खरगोश बड़ी ताखीर के साथ गया। इसकी वजह से शेर को बहुत गुस्सा आया। एक तो इतना सा जानवर भेजा और वो भी इतनी देर से, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और आज से मैं 3 से 4 जानवरों को फिर से जख्मी किया करूंगा। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके लिए एक खबर लाया हूँ, पहले मेरी बात सुने। इस जंगल में एक और शेर मौजूद है जो आपकी बहुत बुराइयां कर रहा था। कि वो शेर तो बहुत ही बुरा है। शेर को बहुत गुस्सा आया। जज्बात में शेर ने उठ के कहा, मुझे उस शेर से मिलना है, मैं उस शेर को नहीं छोड़ूंगा। खरगोश ने कहा, चले बादशाह सलामत, मेरे साथ चले, मैं आपको उस शेर से मिलवाता हूँ। खरगोश ने शेर को अपने साथ लिया और कुएं के पास लेकर गया। कुएं में बहुत सारा पानी मौजूद था। खरगोश ने कहा, देखें इस कुएं में वो शेर मौजूद है। जैसे ही शेर ने अंदर झांका तो उसको वाकई में एक शेर नजर आया, और शेर ने गुस्से, गजब और जज्बात में आके अपना अक्स देखते हुए पानी में छलांग लगा दी। इस तरह सारे जानवर खरगोश समेत महफूज हो गए और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है, हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, चाहे हम गुस्से में भी हों। नई सुबह की कहानी घर में इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।